हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम आपको नमक पारे बनाने की थोड़ी अलग तरीके बताएंगे। आज हम इसमें कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा। आप चाहे अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। अभी हम इसमें 2 चम्मच रिफाइन तेल मिलाएंगे। रिफाइन तेल मिला के हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो घी भी मिला सकते हैं। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे करी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम एक सॉफ्ट, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम एक डो बना लेंगे। हमें ये इस डो को बना के 5 मिनट तक रखना है। हम जब आटा गूंद लेंगे उसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, मोटे मोटे लोइयां बना लेंगे। हमें लोइयां ज़्यादा पतला नहीं रखना है, मोटा ही रखना है। उसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। लोइयां बनाने के बाद आप उसे कोई भी अच्छा सा शेप दे सकते हैं। मैंने जो नमक वाले पारे जो होते हैं वैसे ही शेप दिया है, उसी तरह से शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी शेप रख सकते हैं। अब इसे चाकू से अच्छी तरह से काट लेंगे। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ। कर लेंगे, तेल गरम करने के बाद हम तब तक ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, गरम रखना है। अब थोड़े 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 डाल के ऑयल भी हमेशा मीडियम ही चला लेना है। गरम करना है, बहुत ज्यादा गरम फ्राई करना है जब तक ये इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ना हो जाए। जब ये लाल हो जाए तो फिर हम इसे निकाल देंगे। नमकीन जो है अच्छा से ब्राउन टाइप का हो गया है। ये देखिए हमारे नमक पारे बनके तैयार है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो वीडियो लाइक जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।